निलंग्यातील मुस्लिम पर्सनल लॉच्या वतीने मुस्लिम बांधवांना मार्गदर्शन करण्यासाठी भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले. देशासह राज्याच्या सद्यस्थितीवर विचार मंथन करून राज्यभर सामाजिक सुधार व जनजागृती घेऊन रात्रंदिवस एक करून निघालेले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सय्यद मोहम्मद राबेह हसनी नदवी, बोर्डाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना खलीलुल रहमान सज्जाद नैमामी, बोर्डाचे मराठवाडा सदस्य मुफ्ती जुनेद आझाद कासमी हिंगोली, मुफ्ती उमरैन महाफूज रहमानी माळेगाव, लातूर जिल्ह्याचे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना इस्राईल रशीदी व इतर उलेमा मोठ्या प्रमाणात चळवळ करत आहेत. या चळवळीचाच एक भाग म्हणून लातूर शहरात 28 नोव्हेंबर रोजी लातूर येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पार्क टाऊन हॉल येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे लातूर शहरासह जिल्हाभरातील सामाजिक व धार्मिक कार्यकर्त्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक मस्जिदी टेक उस्मानपुरा लातूर येथे संपन्न झाली. 28 नवंबर को शहर लातूर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले इस्लाह मुआशरा का अजीमुशान जलसयाम मुनाकद किया जा रहा है. इस्लाह मुआशरा के ज़िम्न में पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि लोगों में समाज सुधार की फ़जा आम हो, लोगों में मोहब्बत व उल्फत फैले, लोग अच्छे कामों में एक दूसरे का तआवुन करें. मैं शहर लातूर के अवामुन्नास से बिलखसूस गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जलसेगाह में पहुँच कर आने वाले अकाबिर उलमा से इस्तिफादा व इक्तसाब फैज़ करें. कौन कौन आने वाले हैं इस जलसे में? इस प्रोग्राम में आलम इस्लाम की मशहूर शख्सियत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी अहमद फयूज़ हूँ और हज़रत मौलाना मोहम्मद खलीलुरहमान सज्जाद नौमानी और हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद सैफुल्ला रहमानी व हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी, ये अकाबिर उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं जो आलम इस्लाम की इस वक्त क़ियादत फरमा रहे हैं. ये हमारे शहर में आ रहे हैं. हमारा काम ये है कि हम बढ़ चढ़ कर इस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश करें.